हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, नाम जप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, शिव शक्ति का आपके लिए आज क्या मैसेज है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा, देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या रिप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या मैसेज देते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि जो आप अभी तक जगलिंग कर रहे थे ना, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुविधा में, कंफ्यूजन में थे। हो सकता है आप किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूजन में थे कि ये आपके काउंटर पार्ट हैं कि नहीं, ये आपके लिए ये आपके पर्सन है कि नहीं, है ना। तो ये आप इस जगलिंग में थे और शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि आप इस जगलिंग से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। ये आप किसी पर्सन को नहीं देख के लिए देख रहे हैं, या तो जिस भी रीज़न से ये रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप इस जगलिंग से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे, ऐसा आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं। क्योंकि आप ऐसे स्ट्रेंथ में आएंगे कि आप इस जो बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट है ना, उससे बाहर निकलेंगे। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, हो सकता है दो पर्सन में, दो सिचुएशंस में, है ना, किसी भी तरीके से, बट आप जल्दी बाहर निकलेंगे। और जो मैं कह रही हूँ तो जल्दी बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे 10 of Pentacles का कार्ड आया है, ये 10 नंबर का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप इस जगलिंग से बाहर निकलेंगे। शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि ये जो दुविधा है ना, उससे बाहर निकल के, या फिर आपकी लाइफ में अगर अबंडेंस जो थी ना, फाइनेंशियल इशू कुछ चल रहा था, तो वो फाइनेंशियल इशू भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और नई शुरुआत हो रही है। बहुत अबंडेंस जिसे कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देना, तो वो आपके ईश्वर शिव शक्ति आपको दे रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। और अगर आप किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में भी एक टावर मोमेंट जो आया था ना, जो एक सेपरेशन फेज आया था, वो ख़त्म होकर के यहाँ पे फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर यहाँ पे आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि किसी दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट। तो अगर ऐसा है तो वो ट्रैवलिंग करके आपके साथ जल्दी आपकी विजिट हो सकती है, ऐसा आपको शिव शक्ति मैसेज देना चाहते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे आपने जो एफर्ट्स, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, कुछ एफर्ट्स आप ऐसे डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो एफर्ट्स आपके फ्रूटफुल होने वाले हैं। शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए। और आप ये जो दो एनिमल्स देख रहे हैं, डॉग है ना, तो ये आपके एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको हर बुरी चीज़ से बचा रहे हैं, हर बुरी नज़र से बचा रहे हैं। और जो व्यूअर्स यहाँ पे अपने बच्चों के लिए परेशान है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके किड्स पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, वो अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन है और आप भी यहाँ पे अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन है। और जब मैं डिवाइन प्रोटेक्शन कह रही हूँ, तो जब मैजिशियन का कार्ड आया है, वाओ, थैंक यू सो मच शिव शक्ति। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट जो कर रहे थे ना, काफ़ी लंबे समय से आपका कुछ मैनिफेस्टेशन था, कुछ विश थी, कुछ डिज़ायर थी, वो यहाँ पे फुलफिल होने वाली है। और अगर कोई लीगल इशू चल रहा था, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी यहाँ पे। और आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस आ रही है, आप स्पिरिचुअली बहुत डेवलप हो रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, शिव शक्ति आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको ऐसे स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं, आपको ऐसी विजडम दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। ओके, और यहाँ पे अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में थे, तो ये सेपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन खुद इस सेपरेशन के ख़त्म होने के लिए वेट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कब वो आपके साथ मिल सके, मिस विजिट कर सके। ओके, और यहाँ पे पास्ट में आपने कुछ गलतियाँ की थी, उन गलतियों का आपको अभी रिग्रेट हो रहा है। ओके, ये कुछ भी गलती हो सकती है ना, आप या आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा व्यूअर्स, है ना, किस तरीके से। तो शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ वो हो चुका है, वो एक ऐसा फेज था जो आपकी लर्निंग के लिए आया था, आपको कुछ ऐसे लेसन सिखाना चाहते थे शिव शक्ति, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके, है ना। वो लेसन ऐसे थे तो आपको एक मजबूत इंसान बना सके, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हो सके, आपको स्ट्रेंथ में ला सके, आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई को आप कठिनाइयों को पार कर सके, इसीलिए वो आपके जीवन में आए थे। ओके, तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी, आप इस चीज़ को, आप इस सिचुएशन को, है ना, नेगेटिव वे में सोच रहे हैं,
आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि इस समय को आप पॉजिटिवली लें और इसको इस लेसन की तरह लें। ओके, आप ये सोचें कि इससे आपको क्या लेसन मिला है, इस सिचुएशन में आकर आपको क्या लेसन मिला है, क्या सीख मिली है और क्या ऐसा है जो आपको रिपीट नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य, तो ये एक चंद्र ग्रहण की स्थिति है ना। और चंद्र ग्रहण ग्रहण जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ क्षणों के लिए होता है, लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। तो ये ग्रहण की जो जैसी स्थिति जो बनी हुई है ना आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होने वाली है। ओके, बहुत जल्दी। और ये 8 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे आप जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, जो गुड कर्मास आप क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे फुलफिल होंगे, उसका आपको उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ओके, आपने जो कर्म किए हैं ना अच्छे, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है आपसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, किसी को हर्ट किया, किसी को आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस के लिए कहा जा रहा है। ओके, आप फॉरगिवनेस को फॉलो कीजिए। आप या तो फॉरगिवनेस, आप हो पोनो पोनो प्रेयर है वो भी कर सकते हैं ना, आप जिनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या तो आप डायरेक्टली मांग लीजिए अगर आप फिजिकली मांग सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो हो पोनो पोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। आपको वीडियोस यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए ना, माफ़ी से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। ओके, आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप माफ़ी मांगते हैं आपकी सिचुएशन में सुधार ज़रूर आएगा, भले ही आप कैसे भी मांगें। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को है ना दबा के रखे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। हो सकता है आपका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ हो पास्ट में, तो आपने अब सोचा हो कि अब मुझे किसी कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है, अब मुझे कोई लव लाइफ में किसी पर्सन को नहीं देखना है, इस तरीके से आगे ही नहीं बढ़ना है। तो या फिर आपने किसी को हर्ट किया हो, तो आप अपने दिल का रास्ता जो है बंद करके बैठे हों। तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि ये जो भी हुआ ये आपने नहीं किया, ये ईश्वर की इच्छा थी, डिवाइन प्लान था। ओके, ये जर्न अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये उसका एक एक पाथ था उस जर्नी में आगे गुजरने का, आगे बढ़ने का। तो ये जो ये फेज आना ही था, ओके, ये डेस्टाइन था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। या आप अपने ऊपर कोई बोझ मत लीजिए, अपने आप को गिल्ट में मत लेकर जाइए, या खुद को जज मत कीजिए, है ना। आपने जो किया वो ईश्वर की इच्छा थी और आप वहीं पर है जहाँ पर ईश्वर चाहते थे इस वक्त। ओके, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं इस वक्त और आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप अपने कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप स्ट्रेंथ में भी आ रहे हैं बहुत जल्दी, यहाँ पे डिसीजन लेने की स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत, थोड़ा नेगेटिव भी सोच रहे हैं व्यूअर्स, तो आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि पहले नेगेटिव सोचना तो बंद कीजिए, तभी तो आप स्ट्रेंथ में आएंगे। और उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो 8-8 की एनर्जी है यहाँ पे, इनफाइनाइट अबंडेंस ग्रोथ यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। आप जिस भी पर्पज से इस वीडियो तक आए हैं व्यूअर्स, तो इनफाइनाइट अबंडेंस ग्रोथ आ रही है आपके कनेक्शन में, हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हो रही है। और साथ में यहाँ पे आपको पूरी तरीके से यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, और जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वो एफर्ट्स यहाँ पे आप जो स्प्राउटिंग देख रहे हैं ना ये इवेंट्स पर, वो ये बताती है कि आपके एफर्ट्स जो है वो धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे, लेकिन एफर्ट्स फ्रूटफुल हो रहे हैं। ओके, कोई भी बीज एकदम से पौधा नहीं बन जाता है, पेड़ नहीं बन जाता है ना, बीज डालते हैं तो धीरे धीरे ही वो बढ़ता है, लेकिन बढ़ता ज़रूर है और वो बढ़ भी रहा है। जो आपने एफर्ट्स के बीज डाल रहे हैं वो पौधा बन भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसमें पानी, जब पौधे के लिए जैसे फर्टिलाइज़र डालना होता है उसमें पानी डालना होता है, तो वैसे ही आपको अपनी सोल ग्रोथ के लिए भी काम करते रहना है, अपनी भक्ति मार्ग पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना है, अपनी अपने खुद पर फोकस रखना है, अपने इश्यूज़ को हील करते रहना है। अगर आपको ऐसा आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस बात से ट्रिगर हो रहे हैं, अगर आज सपोज़ आप किसी बात से ट्रिगर हुए, किसी पर्सन की बात से, तो आपको उसी टाइम रिएक्ट नहीं करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है ऐसा क्या है जिसने आपको ट्रिगर कर दिया, आपके अंदर ऐसा क्या था ना। कभी कभी कुछ ऐसा डर होता है कि हमें सामने वाले से पता चलता है कि अच्छा हमारे अंदर ये भी डर था, हम उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ईगो की वजह से ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करनी है, ये शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको स्टेबल कमिटमेंट यहाँ के आपके पर्सन की तरफ से मिलने वाला है और हारमोनियस रीयूनियन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच। उसके बाद देखते हैं शिव शक्ति और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हैंगमैन,
हैंगमैन मुझे सबसे पहले तो यही इंट्यूशन आ रहा है कि आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके आप और अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइन की तरफ आपका जो है ना भक्तिमय हो रहे हैं। आप भक्ति की तरफ आपका जो रुझान है वो बढ़ रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ध्यान जो है ना वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हट करके ईश्वर में लग रहा है। ओके और यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग बहुत स्पीड अप हो चुकी है। यहाँ पे इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है। और वो उन्होंने अपने आप को हैंगमैन में स्थिति में इसलिए रखा हुआ है इस वक्त। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो ना, कोई कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, तो वो आइसोलेशन में इसलिए क्योंकि वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज में है। वो खुद को एनालाइज कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को अवेकनिंग के दौरान अपने ऊपर काम करती है, यूनिवर्स उन्हें गाइड करते हैं, वैसे ही गाइडेंस आपके पर्सन को भी दी जा रही है। और वो फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, खुद की हीलिंग को फॉलो कर रहे हैं। एक लास्ट मैसेज और देखते हैं व्यूअर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल उनके लाइफ में चल रहा है ना, स्ट्रगल मुझे उनके थॉट का ही लग रहा है। और दो सिचुएशन, दो पर्सन, दो चीज़ों में उनका कुछ थॉट जो चल रहा था ना, जगलिंग चल रही थी, उससे मूव ऑन कर रहे हैं। यूनिवर्स उनको मूव ऑन करवा रहे हैं। और ये जो ये आपके मुझे पर्सन फील हो रहे हैं जो मतलब पूरे थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लाइफ में, जगल करते करते हर तरीके से उन्होंने कोशिश की अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। उन्होंने कार्मिक के साथ, थर्ड पार्टी के साथ भी अपना 100% देने की कोशिश की, बैलेंस बनाने की कोशिश की, बट वो नाकामयाब रही। क्योंकि ये जर्नी में होता ही ऐसा है, कार्मिक के साथ बैलेंस बनाना मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। ओके और जब आपके ये जो पर्सन है जो वैन लेके बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे यूनिवर्स हैं जो आपके पर्सन को इस बोट के थ्रू आगे लेकर जा रहे हैं, इस जर्नी में मूव करवा रहे हैं, यहाँ से मूव करवा रहे हैं कार्मिक से। और ये जो चारों तरफ सोर रखी है ना, ये आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि अब कोई नेगेटिविटी उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाए इस कनेक्शन के थ्रू। और जब ऐसा हो रहा है, जब डिवाइन मूव ऑन करवा रहे हैं इस कार्मिक एनर्जी से, तो देख यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वेव जो है बहुत फ्लक्चुएट है, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे है सॉरी। और जब यूनिवर्स ने उनका हाथ पकड़ा आपके पर्सन का, जब खुद डिवाइन ने अपने हाथ में ली है पतवार को, तब ये इमोशंस इतने बैलेंस हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थे आज शिव शक्ति के आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय शिव शक्ति।